आज के फनकार। लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार, और आज की फनकारा हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना। अजनबी भारतीय सिने संसार में उषा खन्ना को तीसरी महिला संगीतकार होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। अपने दौर की संगीतकार रही जद्दनबाई और सरस्वती देवी के बाद एक अंतराल के पश्चात उषा खन्ना का परिचय सुनने वालों से हुआ बतौर संगीतकार। वो फिल्म थी 1959 में बनी दिल देखे देखो। प्यार की कसम है न देख ऐसे प्यार से, कसम है न देख ऐसे प्यार से, प्यार से उषा खन्ना अरेबिक संगीत से हमेशा प्रभावित रही हैं, लेकिन कोई भी गीत उन्होंने अरेबिक म्यूजिक में पूरी तरह नहीं ढाला, बल्कि उस विधा का हल्का सा पुट अपनी शैली में बांधकर उषा खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट मौलिक संगीत रचनाएं बनाई जो सुनने वालों की जुबान पर चढ़ी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां शामिल
उषा खन्ना को फिल्मी या संगीतमय परिवेश तो पूरी तरह हासिल नहीं था, लेकिन उनके पिता मनोहर खन्ना, जो ग्वालियर में मुलाजिम थे और 1946 में किसी काम से तत्कालीन बंबई आए, जो आज का मुंबई है, तो उनकी मुलाकात जानी मानी अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दनबाई से हुई, जो खुद एक संगीतकार थीं। जद्दनबाई के कहने पर मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर के नाम से कई गजलें लिखीं और वो गीतकार भी बने। इसी दौरान उषा खन्ना को भी संगीत ने प्रेरित किया। हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली जाने माने संगीतकार ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात करवाई फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से। उनके लिए उषा जी ने एक गीत भी गाया। मुखर्जी साहब ने इसी दौरान उषा जी की योग्यता को पहचान लिया और उन्होंने उषा खन्ना को संगीतकार बनने की सलाह दी। यही नहीं, शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देके देखो के लिए साइन भी किया। फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद मुखर्जी साहब ने उषा खन्ना से अपनी अगली फिल्म हम हिंदुस्तानी का संगीत भी तैयार करवाया। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो हम नई बहार के राजदान। हम हंसे तो हंस पड़े हर कली, हम चले तो चल पड़े जिंदगी। सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। हम जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी जब चले तो। सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उषा खन्ना ने मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ मिलकर अपनी टीम भावना से काम आगे बढ़ाया
और इस टिकड़ी ने तमाम हिट गानों का निर्माण किया। सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा, सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया होगा। तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, कई लाल तराशे होंगे तब होंठ बनाए होंगे, दांतों की जगह पे मोती चुन चुन के लगाए होंगे, जुल्फें काली करने को बदली को जलाया होगा। ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे आया होगा, सौ बार बना कर मालिक ने सौ बार मिटाया। फिल्मकार और गीतकार सावन कुमार टाक का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने अपनी तमाम फिल्मों का संगीत उषा खन्ना से ही तैयार करवाया है। लगातार संपर्क में आने के बाद दोनों ने विवाह भी किया जो ज्यादा समय टिक नहीं पाया, लेकिन गीतकार और संगीतकार के बतौर दोनों का व्यावसायिक संबंध हमेशा कायम रहा। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहरा। शायद मेरी शादी दोस्तों, तत्कालीन उभरते गायकों जैसे अनुपमा देशपांडे, पंकज उधास, हेमलता, मोहम्मद अजीज, रूप कुमार राठौड़, शब्बीर कुमार और सोनू निगम को भी उषा खन्ना ने अपने संगीत में गाने का मौका दिया था। दक्षिण के जाने माने गायक के जे येसुदास ने भी उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गाने गाए हैं। फिल्म दादा में येसुदास की गई रचना को फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ।
ही होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी वृद्ध मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के उषा खन्ना ने हिंदी में 150 से ज्यादा फिल्मों के अलावा मलयालम फिल्मों में भी संगीत दिया है। 60 से लेकर 80 तक के दशकों में उन्होंने अपने कर्णप्रिय संगीत से सभी का दिल बहला दिया। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में जन्मी उषा खन्ना ने संगीत के क्रिकेट की एक लंबी और बेहतरीन पारी खेली है। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, हो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर, हो चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। देखे और लल जाए प्यास नजर की,
क्या मानूं, चाहता है उसे कोई चकू। तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करे क्या करे क्या करे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। सारा जमाना लिए साथ चले, ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेबाबा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उनके संगीत से सजे संवरे गाने लगातार हमारे दिलों को बहलाते रहेंगे। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे। बाजार से जमाने के कुछ भी ना हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए दिए तो क्या दिए, झुकाने के लिए सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए दिए तो क्या दिए, बुलंद है अपनी पत्थर सी जान रखते हैं।
किस्मत बुलंद है अपनी, पत्थर से जान रखते हैं कदमों तले जमीन, तो क्या हम आत्मान रखते हैं गिरते हुए को उठाने के लिए, गिरते हुए को उठाने के लिए, तू दी ये दिल दमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।